बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर सिस्टम्स आज हमारा टॉपिक है। बेसिकली नंबर सिस्टम एक टेक्निक है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फोर टाइप्स के नंबर हैं, डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, इनकी अलग अलग वैल्यूज के साथ इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, क्योंकि कंप्यूटर इन्हीं को सपोर्ट करता है। मतलब तो इन्हीं में से कुछ लैंग्वेज लाइक बाइनरी तो इनका इसका बुनियाद है एक बेसिक, तो इन्हीं में से ही जो है कंप्यूटर इनको जो है आर्किटेक्चर के लिए इनको सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी हो, राइट करनी हो, या कोई भी फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करना हो, या कोई भी प्रोग्राम राइट करना हो, तो सारा मतलब बिहाइंड द सीन जो हो रहा है वो बाइनरी है, मीन्स जीरो एंड वन, ये तो आपने सुना होगा। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है किसको, डेसिमल को, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। डेसिमल जिसकी रिप्रेजेंटेशन है 0 to 9, मतलब इसमें टोटल 10 नंबर हैं, 0 to 9, तो 0 to 9 10 ही होते हैं। इसमें से अगर आप कोई भी नंबर लिख लें, फॉर सपोज मैं लिख रहा हूँ 5, 8, 6, तो ये मेरा डेसिमल हो सकता है, ठीक है, अगर इसका बेस 10 है, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर हमें लाजमी ही उसका बेस भी लिखना है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और नंबर सिस्टम का नंबर ना हो या किसी और टाइप का नंबर ना हो। तो अगर यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है 479, तो 479 आप चेक करें क्या ये डेसिमल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल का हमने जो रिप्रेजेंटेशन देखी थी वो 0 to 9 थी। अच्छा, उसका उसके अलावा इसका बेस या रेडिक्स 10 है। बेस 10 इसका मतलब ये कि टोटल नंबर जो हैं इसके वो 10 हैं। आप देख सकते हैं 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। तो इसका बेस क्या हुआ, 10, रेडिक्स 10। तो 479 जो है वो किसकी एग्जांपल है, डेसिमल की एग्जांपल है। इसी तरीके से उसके बाद है बाइनरी। बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन है 0 and 1, ओनली 0 and 1, ऑन एंड ऑफ काफ़ी सारे नाम है इसके। तो इसका जो बेस है वो 2 है, ठीक है, बेस क्या है, बेस 2 है। अब उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है 1010। अब 1010 अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो लिखा जा सकता है, तो 1010 होते हैं ये, ठीक है, तो इतना होता है ना। ऑफ कोर्स मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, डेसिमल। बट यहाँ पर क्योंकि इसका बेस जो है वो 2 है, तो इसको बाइनरी समझा जाएगा, बाइनरी नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इसका जो बेस है वो 2 है, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। तो इसको भी यूँ पढ़ा जाएगा 1010, 1010 नहीं पढ़ा जाएगा, ओके, तो क्योंकि बाइनरी में, बाइनरी नंबर सिस्टम में होता ही ऐसा ही है। तो अगर इस नंबर क्या हम कन्वर्ट करें डेसिमल को, तो कुछ यूँ होगा। अब क्या है, 1010 है ना, तो अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये कुछ यूँ होगा, 10। तो इसकी इसका डेसिमल भी अगर हम करें तो इसका डेसिमल 10 होगा, ठीक है। आप देख लें भले 1, 2, 4, 8, तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो उसके बाद है ऑक्टल। ऑक्टल जो है वो 0 to 7 नंबर्स बेसिकली होते हैं। अच्छा, इसके नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, रुके। तो ऑक्टल नंबर कौन से हैं, हेक्साडेसिमल नंबर टोटल कौन से होते हैं। डेसिमल तो वैसे ही पता है हमने, केजी से लेकर पढ़ते ही आ रहे हैं डेसिमल नंबर तो सबको ही पता होगा। बट ये तीन जो बाकी नंबर्स हैं लाइक बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये थोड़ा समझें। तो 0 to 7 इसमें टोटल नंबर होते हैं 8। ऑक्टल जैसे कि आपने तो अक्सर बॉयज ने तो देखे ही होंगे, लाइक आप किसी भी पंप पे जाएं, जब आप पेट्रोल फ्यूल भरवाने जाते हैं, तो जो उसका मीटर है उसके टोटल नंबर जो होता है उसका 8 होता है, ठीक है। उसी 8 के डिजिट से बाकी नंबर बनते हैं, आपने नोट किया होगा या कैलकुलेटर में भी, ठीक है। तो 0 to 7 टोटल कितना है, 8, तो इसका बेस कितना हुआ, 8 रेडिक्स, ठीक है, 0 to 7। बट यहाँ पर तो 7 है, तो 0 भी प्लस करें तो 8 ही होगा, ठीक है। तो 5 to 7, तो 5 to 7 डेसिमल भी हो सकता है एक तरह से, बट क्योंकि यहाँ पर हमने ये क्या मेंशन किया है, 5 to 7 बेस 8, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये नंबर कौन सी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑक्टल नंबर्स की, तो क्योंकि इसका बेस क्या है, 8, तो 8 बेस किस नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्टल की। उसके बाद है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 to F देखा जाए तो, बट मैंने यहाँ पर कुछ डीप डाइव किया हुआ है कि 0 to 9 एंड 8 to F, इसका मतलब ये है कि टोटल 16 नंबर्स, ठीक है, या 16 डिजिट्स, जिसमें 9 के बाद ए, जब बी, अब ए जो है वो 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 12, देन सो ऑन एफ तक। तो ये 0 to F तक हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल की है, जिसका बेस है 16, और नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 5B6F बेस 16। अब इस, अगर फॉर सपोज मैं इसका 16 बेस ना भी लिखूं, फिर भी हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा नंबर है हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें अल्फाबेटिक्स भी जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो आई होप ये नंबर सिस्टम थोड़े बहुत आपको समझ आ गए होंगे। अब तो थोड़ा सा और इसको ज़रा देख लेते हैं, यहाँ देखें, अगेन ये वही बात कर रहा है जो हमने बात की, द रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर इज 10, बिकॉज ओनली 10 सिंबल्स 0 through 9 आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। तो ये कौन से नंबर होंगे, डेसिमल नंबर, ठीक है, देखते हैं। बाइनरी नंबर को भी हमने देखा, ठीक है, फॉर डिजिटल सिस्टम्स लाइक डिजिटल कैलकुलेटर, हाँ, डिजिटल वॉच या फिर डिजिटल कंप्यूटर्स, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें बाइनरी, उनके आर्किटेक्चर में बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, और जो प्रोसेसर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर कुछ नंबर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप देख लें, 10, जरा 10 को देखें, जरा 1010, तो हमने जो कन्वर्ट किया था बाइनरी टू डेसिमल, तो ये आपको वहां पर, अब आपको पता लग गया होगा। अब आप पूछेंगे कि ये मैंने कन्वर्ट कैसे किया, वहीं पर ही, तो ये मैंने कुछ कन्वर्ट यूं किया कि फॉर सपोज यहां से कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 0110, यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 6, ठीक है। अब ये 6 कैसे बना, यहां देखें, अब 0110 लिखें, लिख लिया, देन पहले वाले 0 के नीचे दें 1, देन सेकेंड के बाद 2, देन 4, देन 8, डबल वैल्यू पावर 2, ठीक है। तो अब उन नंबर्स को ऐड करें जिनके ऊपर 1 है, तो मैं उनके उनको ऐड कर रहा हूँ, जिनके नंबर 1 है वो है 4 and 2, देन 4 + 2 = 6, तो 0110 = 6, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन होगी 6, ठीक है। इसका बाइनरी नंबर क्या था, 0110, तो अगर आपको, आपके पास कोई भी नंबर मिले, अब फॉर सपोज यहाँ पर 16 नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो अब 16 का अगर मुझे निकालना हो बाइनरी, तो मैं कैसे निकालूंगा, ऑफ कोर्स 1 2 4 8 16, तो 1000, आप चेक कर सकते हैं स्मार्टफोन्स में, कैलकुलेटर अब ऐसे आ गए हैं, स्मार्ट कैलकुलेटर्स जो कि बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेशन भी करते हैं, बट हमने तो खैर मैनुअल किया है, तो 16 8421, तो ये मेंशन करके आप उनके नंबर, उनके नीचे नंबर सिस्टम लिखें, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, तो जो नंबर आपको मिल रहा है उनके नीचे 1 करें, ठीक है। तो मुझे 16 मिल गया डायरेक्ट, तो उनके नीचे मैंने 1 लिख दिया, बाकी को 0 दे दिया, तो अब इसकी जो बाइनरी कन्वर्जन हुई वो हुई 1000, 4 times 0 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसकी कन्वर्जन की। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 49 टू बाइनरी, ये आप कीजिएगा, 49 हमारे पास नंबर मिला हुआ है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा, या चलें अभी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मैं इसको अभी कर रहा हूँ 1 2 4 8 16 32, अब 32 जो है उससे जो बड़ा है नंबर वो है 64, तो इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 32 से वैल्यू को हम एक्सीड करेंगे तो वो हो जाएगी 64, इसलिए 32 + 16 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 48, और हमें नंबर कितना मिला हुआ है, 49, तो हमने उसको किया, देन 1 को किया, 0 0 0। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 49 की बाइनरी कन्वर्जन होगी 1 1 0 0 0 1, ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी कन्वर्जन होगी। इस तरीके से आप अपने नाम की बाइनरी कन्वर्जन भी निकाल सकते हैं।
तो आई होप ये कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी की हमने और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी की। अब थोड़े नंबर्स को जरा देख लेते हैं। ये मैंने वही सिस्टम किया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ओके। ये कुछ रूल्स हैं एडिशन के, ठीक है। अब ये कौन सी एडिशन है, बाइनरी एडिशन है, ठीक है। तो 1 1, तो वैसे करीब 2 होते हैं, लेकिन हम 1 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 कैरी 0 नीचे, तो ये वही एडिशन वाला प्रोसेस है, लेकिन हम इनको 1 1 प्लस 2 नहीं करेंगे, 1 1 प्लस 10, 1 0। 1 0 की जो बाइनरी होगी वो 2 होती है, इसीलिए, ठीक है। तो ये बाइनरी एडिशन है 28, ओके। 0 0 1 1 = 7, 1 0 1 0 1 = 2 1। एंड अब अगर इसका एडिशन करें तो आंसर क्या आएगा, 1 1 0 0। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाला भी सेम है, आप देख सकते हैं वही बोरो और कैरी। उसके बाद है डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। ये नंबर्स कुछ हमने लिखे हुए हैं, आप इसको देख लें। 0 to 15 ये हमने खुद लिखे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू, एफ की वैल्यू है एक्चुअली 15, नॉट 16, क्योंकि इसमें 0 भी है। तो फाइनल नंबर जो होगा उसको अगर -1 कर दें, क्योंकि 0 इंक्लूड है, तो 16 -1 = 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कन्वर्जन डायरेक्ट हुई है। अब ये जो कन्वर्जन है वो तो 15 तक है ना, 0 to 15 तक। 0 डेसिमल का भी 0 होगा, हेक्साडेसिमल का भी 0 होगा, बाइनरी का भी 0 होगा, ठीक है। बट 2 से शुरू करते हैं, 2 का डेसिमल का भी सेम, हेक्साडेसिमल का भी सेम, बट बाइनरी का 1 0। इसी तरीके से सो ऑन। तो ये आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपीज पे, और कुछ असाइनमेंट्स में आपको दे देता हूँ। आपने 40 49 110 इन डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और फिर इन्हीं को ही डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।